हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ वो आपको अगर अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठंड का सीजन है और गर्मा गर्म अलग अलग प्रकार के पराठे खाने किसको नहीं पसंद होते हैं। तो आज हम बनाते हैं सत्तू का पराठा, पर इसके पहले हम टमाटर की चटनी बनाएंगे जो इसके साथ खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो सबसे पहले हम टमाटर को वॉश कर लेंगे। यहाँ हमने टमाटर लगभग 2 लिए हैं और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और बस उसके बाद हमने इसको गैस पर भून लिया है पलट पलट कर। तो ये अच्छे से पक कर तैयार हो गया है और गैस बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको गैस से हम उतार लेंगे और बस इसका जो छिलका होता है ना वो हम इसको अलग कर देंगे। इसको पानी से वॉश नहीं करना है, अगर पानी से वॉश करेंगे तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो निकल जाएगा। तो इसको वॉश नहीं करना है, धोना नहीं है, तो इसको बस ऐसे छिलके से हटा देना है और चाकू की मदद से इसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे छोटा छोटा और बस इसको मैश कर लेंगे। हाथ से अगर मैश हो जाता है तो आप हाथ से मैश कर लीजिए, वरना जो आलू को मैश किया जाता है उसको हम मैश करेंगे इससे। तो ये मैश हो गया है, उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। तो ये हमने ले लिया है छोटे छोटे प्याज, उसके बाद हमने लिया इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें हमने सरसों का तेल ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको डालकर अच्छे से हम चला देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और बस उसके बाद हम जो पराठे में फिलिंग तैयार की जाती है उसको रेडी करते हैं। तो ये हमने सत्तू लिया है, ये चने का सत्तू है, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और फिर उसके बाद हमने प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है और बस उसके बाद मैंने क्या डाला है, थोड़ा सा अचार, ये अचार का जो मसाला होता है तो वो मैंने डाल दिया है। ये वेज मसाला है, वेज जो अचार आता है उसका मसाला है। और उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है क्रश करके और बस इसको मैश कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। जो छोटा छोटा इसमें प्याज है थोड़ा सा मैश कर लेंगे और जो अचार के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना वो भी अच्छे से मिलाएंगे तो मैश हो जाएगा। तो जब भरेंगे ना पराठा तो उस फूटेगा नहीं। और बस लास्ट में हम डालेंगे सरसों का तेल, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप सरसों का तेल डालिएगा ज़रूर। और उसके बाद हम इसमें नींबू डाल देंगे, नींबू मैंने नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें आप आधा नींबू ऐड कर सकते हैं। जब चटपटा सा टेस्ट आएगा ना तो पराठा और भी टेस्टी लगेगा, तो आप इसमें नींबू चाहें तो डाल सकते हैं। चलिए अब हम आटा गूंथ लेते हैं। तो यह हमने गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा घी डाल दिया है और उसको पानी की मदद से अच्छे से गूंथ लिया है। चलिए अब सब चीज़ रेडी हो गया है, तो चलिए पराठा बनाना तैयार करते हैं। तो यह हमने आटे की लोई ली है छोटी सी, उसमें जो फिलिंग मैंने सत्तू का बनाया था उसको मैंने भर दिया है। अच्छे से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि फूटे नहीं और दबाने के बाद इसकी रोल बना लेंगे, गोली बना लेंगे। अच्छे से दबा के सत्तू को अंदर थोड़ा हल्का हल्का सा दबा देंगे और उसके बाद हम इसको लोई बना देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। बस बेलन की मदद से इसको हम बेल देंगे, बेलना तो आप लोगों को आता ही है तो
कैसे बेला जाता है वो आप बेल लीजिए। तो ये मैंने बेलकर तैयार कर लिया है और एक तरफ मैंने तावे को गर्म करने के लिए रख दिया है धीमी आंच पर और हल्का सा उसमें तेल लगा दिया है ताकि जब पराठा डालेंगे ना तो चिपकेगा नहीं। पहले से वो जब चिकना रहता है तो चिपकने का डर थोड़ा कम रहता है, तो पहले तावे पे हल्का सा तेल लगा लेंगे उसके बाद हम पराठे को डालेंगे। तो ये हमने पराठा डाल दिया है और दोनों तरफ सेक कर अच्छे से तेल लगा दिया है और क्रिस्पी होने कुरकुरा होने तक इसको सेक लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए सत्तू का पराठा रेडी हो गया है। आप भी ठंडे में सत्तू का पराठा बनाकर खाइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और हाँ, जब पराठा आप बनाइएगा सत्तू का तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पराठा कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही डिलीशियस लगा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।